Welcome back to my virtual world. I am SGL and you are watching देखो CGI 3D का दीवाना। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमेशन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एनिमे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लैगिंग के थ्रू, जो कि माया के साथ ही आता है एंड बिल्कुल फ्री है। अरे वाह, हो गया जी। बल्ले बल्ले, ओए होए, ओए बम हिला के, बम हिला के। तो मेरे पास है एक एनिमेशन जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और मैंने इसको क्रिएट किया था किक एनिमेशन ट्यूटोरियल में और आप भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं इस एनिमेशन को करूंगा एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इस नॉन एनिमेटेड कैरेक्टर के अंदर डालूंगा इसी एनिमेशन को एनिम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्लैगिन के थ्रू। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर लोड करेंगे एनिम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्लैगिन को। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस एनिमेशन को करूंगा स्टॉप just like that and मैं जाऊंगा keyframe one पर and अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा space bar just like that and यहाँ पर जो मेनू है और ऊपर जो मेनू है बिल्कुल सेम है। आप ऊपर का मेनू भी इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवेज सो मैं यहाँ पर जाऊंगा विंडोज एंड यहाँ पर जाऊंगा मैं सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड मैं यहाँ पर जाऊंगा फ्लैग इन मैनेजर और इस पर करूंगा क्लिक एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्च बार। सो सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एनी जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्लैगिंग जो कि है एनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्लैगिंग और मैंने इसको लोड कर रखा है। सो सिंपली यहाँ पर कर लेना है लोड और मैंने इसको ऑटो लोड भी कर रखा है। ऑटो लोड यानी कि जब भी मैं माया ओपन करूंगा तब ये फ्लैगिंग लोड हो जाएगा। अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद मैं इस मेन कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा स्पेस बार। मैं जाऊंगा फाइल एंड फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट ऑल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट सिलेक्शन यानी कि जो सिलेक्शन करोगे वही एक्सपोर्ट होगा। मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ एक्सपोर्ट ऑल और इसके साइड में देखने को मिलेगा ऑप्शन बॉक्स। सो इस पर करना है क्लिक एंड क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का मेनू एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइल टाइप। सो फाइल टाइप में सेट करना है एनी एक्सपोर्ट और यहाँ पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। एनिमे एक्सपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हायरार्की और हायरार्की में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दो ऑप्शन। एक है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब होता है जितने भी कंट्रोल हायरार्की बेस आप सिलेक्ट करोगे उन कंट्रोल का एनिमेशन होगा एक्सपोर्ट एंड उस साइड में आपको देखने को मिलेगा बिलो। बिलो का मतलब होता है किसी मेन कंट्रोल को करोगे आप सिलेक्ट एंड उसके अंदर जितने भी हायरार्की बेस कंट्रोल है उनके एनिमेशन होंगे एक्सपोर्ट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको चैनल एंड चैनल में आता है दो ऑप्शन। एक है ऑल केबल, एक है फ्रॉम चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स का मतलब होता है कि चैनल बॉक्स में जो भी एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट करोगे उन एट्रीब्यूट्स का वैल्यू होगा एक्सपोर्ट और यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑल केबल। ऑल केबल का मतलब होता है जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके जो वैल्यूज हैं वो होंगे एक्सपोर्ट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइम रेंज एंड टाइम रेंज में दो ऑप्शन आता है। एक है ऑल। ऑल का मतलब होता है कि आपका जो टाइम रेंज है अभी एक्सपोर्ट करते टाइम और मेरा यहाँ पर है 20s और ये जो टाइम रेंज है इसके अंदर जितने भी की फ्रेम है वो होंगे एक्सपोर्ट और इसके साइड में देखने को मिलेगा स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड में आप जब करोगे तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा एक स्पेसिफिक स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम और आप यहाँ पर कर पाओगे एक्सपोर्ट। सो मैं यहाँ पर करूंगा ऑल पर एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा मेथड। मेथड में दो ऑप्शन आता है। एक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ कॉपी होगा और अगर की पे करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ कॉपी होगा। सो मैं इसको करूंगा की पे ही सेट एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा एक्सपोर्ट ऑल पर एंड मैं यहाँ पर टाइप करूंगा एक फाइल नेम। सो मैं यहाँ पर नेम दूंगा एनिम एक्सपोर्ट 3 जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक एंड क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड ये हो गया है एक्सपोर्ट। अब मैं इस नॉन एनिमेट कैरेक्टर के कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट। मेक श्योर कर लेना है कि जिस मेन कंट्रोल को पकड़ के आपने एक्सपोर्ट किया था एनिमेशन उसी मेन कंट्रोल को आपने सिलेक्ट करना है एंड आपको एक और बात का ध्यान रखना है जो कि है प्लेब्लास स्प्रिंग। सो इसको चेक करने के लिए आपको इस आइकॉन पे करना पड़ेगा क्लिक एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको जाना है टाइम स्लाइडर पर और करना है थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लेबैक एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लेबैक स्प्रिट
और मैंने यहाँ पर किया था 24 Mbps into 1 पर ही एक्सपोर्ट, और इसी स्पीड में करूंगा मैं इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे करूंगा इसको सेव। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा स्पेस बार, मैं जाऊंगा फाइल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इंपोर्ट ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन बॉक्स को करूंगा मैं ओपन, एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइल टाइप। सो यहाँ पर सेट करना है एनीमे इंपोर्ट जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, एंड यहाँ पर करना है नीचे की तरफ, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइल टाइप स्पेसिफिक ऑप्शन। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइम रेंज, और यहाँ पर आता है फोर ऑप्शन। सो फर्स्ट आता है स्टार्ट। स्टार्ट तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी एक पोज को एक्सपोर्ट किया हो। सो सिंपल करना है स्टार्ट पे क्लिक, एंड यहाँ पर देना है टाइम रेंज और करना है इंपोर्ट। सो स्टार्ट जो पोज होगा वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आता है स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड यानी कि स्टार्ट टू एंड ऑप्शन में जो आपने एनिमेशन एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेक श्योर कर लेना है यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम देना मत भूलना। सो उसके बाद आता है करंट। करंट में क्या होता है कि अभी आपने जो टाइम लाइन या टाइम रेंज ले रखे हैं एंड उसके अंदर जो की फ्रेम है उसके अंदर वो एनिमेशन इंपोर्ट होगा। एंड उसके बाद आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि आपने जिस टाइम रेंज पर एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 पे एक्सपोर्ट किया है, उसी टाइम रेंज को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, तब इस्तेमाल होता है क्लिपबोर्ड। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉपीज। इस एनिमेशन को कितनी कॉपी आप करना चाहते हो यहाँ पर आपको डालना है, और बेसिकली ये मल्टीपल कैरेक्टर के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, और यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिपबोर्ड एडजस्टमेंट, और यहाँ पर क्लिपबोर्ड पे एक ही ऑप्शन मिलता है आपको। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे पेस्ट मेथड। पेस्ट मेथड में आता है तीन ऑप्शन, एक होता है इंसर्ट, रिप्लेस एंड मर्ज। इंसर्ट में क्या होता है, अगर किसी भी कैरेक्टर के अंदर कोई एनिमेशन नहीं है तब इस्तेमाल होता है इंसर्ट। एंड उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस तब इस्तेमाल होता है जब किसी कैरेक्टर के अंदर एनिमेशन है लेकिन उस एनिमेशन को आप डिलीट करके इस एनिमेशन को इंपोर्ट कराना चाहते हो, तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड उसके बाद आता है मर्ज, यानी कि किसी कैरेक्टर के अंदर एनिमेशन है फिर भी आप इस एनिमेशन को इंपोर्ट कराना चाहते हो, तब इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही जाऊंगा एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा इंपोर्ट ऑप्शन पर, एंड मैं यहाँ पर चूज करूंगा मेरे फाइल को एंड यहाँ पर करूंगा इंपोर्ट। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सो यहाँ पर हो गया है एनिमेशन इंपोर्ट, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो नॉन एनिमेटेड कैरेक्टर था वो इस एनिमेटेड कैरेक्टर के जगह पर आ गया है। सो मैं इस एनिमेटेड कैरेक्टर को करूंगा थोड़ा साइड पर। सो मैं इस मेन कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड करूंगा थोड़ा साइड में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो नॉन एनिमेटेड कैरेक्टर। सो मैं इस की को करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर आऊंगा एंड करूंगा पेस्ट जस्ट लाइक दैट। एंड मैं यहाँ पर जाऊंगा करूंगा पेस्ट, एंड इसी तरह मैं बाकी की फ्रेम में करूंगा पेस्ट। Just like that, and यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पे मैं करूंगा प्ले। एंड आप देख सकते हो ये एनिमेशन सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।